शिवपुरी शहर में बीती रात रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां एक शराब के नशे में चोर कार के ड्राइवर ने 3 वाहनों को रौंद दिया। साथ ही कई लोग इस कार की चपेट में आने से बाल बाल बच गए। सिटी कोतवाली पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कार में 3 लोग और सवार जो भागने में कामयाब रहे। राजेश्वरी रोड के रहने वाले सतीश शर्मा ने बताया कि रात करीब 8:40 पर एक स्विफ्ट डिजायर कार के ड्राइवर ने शराब के नशे में राजेश्वरी रोड पर कहर बरपा दिया। कार के ड्राइवर तेज रफ्तार कार को मेरे घर के बाहर खड़ी बलिनो पल्सर बाइक और एक स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर से मेरे 3 वाहन क्षतिग्रस्त हुए हैं। गनीमत रही कि कार की चपेट में बाद में कोई राहगीर नहीं आया, नहीं तो बड़ा हादसा भी घटित हो सकता था। प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो कार में 5 युवक सवार थे जो शराब के नशे में धुत थे। कार की डिक्की में शराब की बोतलें पड़ी हुई थी। कार हादसे का शिकार होते ही कार में सवार पीछे बैठे 3 युवक को छोड़कर भाग निकले थे। कार का ड्राइवर और एक उसके साथी को सिटी कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है। कोतवाली पुलिस ने बड़ोदी क्षेत्र के रहने वाले नीलम यादव और उसके साले को गिरफ्तार कर मामला दर्ज कर लिया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। उसमें नशे की हालत में एक युवक ने खड़े हुए वाहनों में टक्कर मार दी है, तो उस पर से हमने 279 का प्रकरण पंजीबद्ध करा लिया है और युवक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। उसमें अभी प्रथम दृष्टया किसी के ज़्यादा चोटें नहीं आई। अगर कोई सामने ऐसा अभी आता है कि जिसके चोट है, तो उसका भी मेडिकल करा के अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उसका मेडिकल कराया, रिपोर्ट प्राप्त होने पर उसके उस संबंध में भी कार्रवाई। गाड़ी में भी शराब मिली थी। हाँ, उसके खिलाफ उस धारा में भी कार्रवाई की जा रही है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।